लोकसभा चुनाव 2024 हो लिए, लेकिन यूपी हार का चुनाव अभी भी गले में पड़ा है बीजेपी के। चुनाव में बीजेपी को यूपी में सिर्फ 33 सीटें मिली है, 2019 में 62 मिली थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसने योगी आदित्यनाथ की छवि और शासन शैली पर सवाल खड़े कर दिए। 2014 से अब तक 4 बार चुनाव यूपी में हो चुके, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो बीजेपी की इस हद तक सीटें गिरी है। 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2014 में 71 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2019 में मोदी योगी की मजबूत छवि के बावजूद बीजेपी की सीटें घट गई। एनडीए को 80 में से 62 सीटें मिली थी, उस वक्त बीजेपी नहीं जागी, जाने किस मुगालते में रही। और आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में महज 33 सीटें आई, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 37 सीटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी ठीक रही थी। 2017 के असेंबली इलेक्शन में अकेले बीजेपी ने 325 सीटें जीती थी और योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी गई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 255 और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पास 111 सीटें आई। 5 साल में योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के रूप में बन गई, जिसकी काफी तारीफ हुई। स्टाइल को काफी कुछ जो है मुख्यमंत्रियों ने कॉपी भी किया। आपराधिक छवि के लोगों के खिलाफ योगी का बुलडोजर प्रयोग एक क्राइम कंट्रोल के लिए सक्सेस मॉडल के रूप में देखा गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया जिसने योगी की छवि और शासन शैली पर सवाल उठाए, ये अब भी समझ नहीं आ रहा। बीजेपी की दुर्गति हुई तो आखिरकार क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी? सब माथा पीट रहे हैं, ना राम बचा पाए ना बुलडोजर बचा पाया। योगी आदित्यनाथ के लिए राहत की खबर ये है कि आरएसएस ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए योगी पर इस हार का ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि आरएसएस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से काफी नाराज है, जैसा कि बयान सामने आ रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में भी नहीं बल्कि कई राज्यों में भी पार्टी औंधे मुंह गिरी है। पहली वजह तो ये रही कि यूपी के साथ बीजेपी का समन्वय ठीक नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ की बात को बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने नजरअंदाज किया। उम्मीदवारों के चयन पर योगी की बात सुनी ही नहीं गई। केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली हैं। राज्य सरकार ने लगभग 3 दर्जन सिटिंग सांसदों के टिकट काटने या बदलने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार के पास ये भी फीडबैक था कि ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, अगर इनकी जगह किसी और उम्मीदवार को नहीं उतारा गया तो परिणाम जो है उलट हो सकते हैं। टिकट बंटवारे में जिन नेताओं की भूमिका रही है उन पर इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठने भी लाजमी है, लेकिन उस वक्त इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, नतीजा सबके सामने है। इसीलिए भी योगी आदित्यनाथ से आरएसएस खफा नहीं है और अब आरएसएस खुद सक्रिय भूमिका में आ रही है। खैर, जैसा कि उम्मीदवारों के चयन की बात सामने आई है तो उसमें जातीय समीकरण भी ध्यान नहीं दिए गए। बीजेपी की दुर्गति की वजह जातीय गोलाबंदी भी है। उत्तर प्रदेश में सवर्ण वोटर 17 से 18% है। सवर्णों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है जो 10% बताए जाते हैं। राजपूतों की आबादी 5% है, भूमिहार 2%। इसके साथ ही वैश्य भी बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20% वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों की आबादी 40% रही है। ये जातियां जिस भी पार्टी के साथ जाती हैं उसका पलड़ा भारी होता है और जीतना लाजमी हो जाता है। बीजेपी ने अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जो जीत हासिल की थी तो उसके पीछे यही पिछड़ी जातियों के वोट थे। ओबीसी का एक बड़ा तबका अब भी बीजेपी का समर्थक है जो गैर यादव जातियां हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यादव और मुसलमान वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वो जनाधार रहे हैं। इस बार भी वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहे। ओबीसी वोटर लगभग 40% है, जिसमें 10% यादव, 5% कुर्मी, 5% मौर्य, 4% जाट, राजभर 4% है, लोधी 3% है, गुर्जर 2% है, निषाद, केवट, मल्ला 4%, ओबीसी की बाकी जातियां 5% के आसपास है। दलित वोटर्स 21% बताए जाते हैं जो हमेशा बीएसपी के साथ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी भी उत्तर प्रदेश में 19% मानी जाती है। इस बार विपक्षी नेताओं ने अच्छा खासा प्रचार किया, पिछड़ी और ओबीसी जातियों के लिए बीजेपी के विमुख होने का कारण बना, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। इसको खूब बनाया विपक्षी पार्टियों ने, आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, जैसा कि खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात भी कही थी और आरक्षण की बात भी कही जा रही थी, जिसको कई बार तोड़ मरोड़ के भी हालांकि पेश किया गया था। लेकिन इससे बैकवर्ड और ओबीसी वोटर जो है सकते में आ गए और उन्होंने बीजेपी से इस बार किनारा कर लिया। इस पर बीजेपी ने कोई खास दमदार तरीके से अपनी बात रखी ही नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कोविड काल में मुफ्त दिए जा रहे हैं 5 किलो राशन की जगह 10 किलो का वादा कर दिया और हर परिवार की महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए भेजने का एक लॉलीपॉप दिया, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था।
था। अब जाके आखिरकार यही वजह है शायद जब बीजेपी ने अपने टिकट वितरण के तरीके को बदला है। बीजेपी जिन बड़े बदलावों की तैयारी में हो उनमें ये तो तय है कि आंख मूंद कर चुनाव समिति के फीडबैक के आधार पर अब टिकट नहीं वितरित किए जाएंगे। टिकट बंटवारे के लिए सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों पर भी अब निर्भर नहीं रहा जाएगा। दूसरे दलों से आए बीजेपी में जो नेता हैं उनके टिकट भी लिमिटेड करने की तैयारी है। आगे चार राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीटें आई हैं, वहीं पूरी एनडीए के पास सिर्फ 17 सीटें आई हैं। अब इस चुनावी नतीजे के बाद, लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी ने बड़े सबक ले लिए हैं, इसीलिए अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। विधानसभा चुनावों की तो तैयारी हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार पर मंथन लगातार चले जा रहा है। देखते हैं बीजेपी क्या कुछ सीखती है। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। नमस्कार।